हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, उसे हम बचपन से खाते आए हैं और आज भी उतने ही मन से खाते हैं। वो है भुट्टा या छल्ली, जिसमें हम ना स्टीमर का यूज करेंगे और ना ही पानी में बॉईल करेंगे, और फिर भी हम अपने भुट्टे स्टीम कर लेंगे। वो किस तरह से करेंगे तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ये दो भुट्टे लिए हैं, जिन्हें हम छल्ली भी बोलते हैं। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश भुट्टे लिए हैं। इसकी पहचान ये है कि जब हमारे भुट्टे फ्रेश होंगे तो उनकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की होंगी। अगर हमारे भुट्टे बासा होंगे तो वो पत्तियाँ थोड़ी हमारी येलोइसी हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और अपने भुट्टों को बर्नर पर रखेंगे। इसकी हमें पत्तियां अलग नहीं करनी, इसी तरह हमें दोनों भुट्टे घुमा घुमा कर स्टीम करने। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन्हें घुमा घुमा कर इस तरह सेकेंगे। इससे होगा क्या, हमारी पत्तियां जैसे ही आग के संपर्क में आएंगी तो इनमें नमी अपने आप ही नमी आ जाएगी, और उसी में ये हमारी जो भुट्टे हैं वो अंदर से स्टीम हो जाएंगे। तो ये हमारे बिना स्टीमर और बिना पानी में बॉईल किए हुए भुट्टे स्टीम होंगे। इस तरह से इन्हें घुमाते रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करनी है हमें बिल्कुल भी। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत स्वादिष्ट भुट्टे स्टीम होकर तैयार होंगे। मीडियम फ्लेम पर भुट्टों को घुमा घुमा कर अच्छे से 15 मिनट भून लिया है। अब ये हमारे भुट्टे अंदर से बढ़िया से स्टीम हो चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें 2 मिनट इस तरह ही रहने देंगे, जिससे हमारे भुट्टे ये जो हमारे ऊपर ये भुट्टे अभी गर्म हैं उसकी गर्मी से अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। 2 मिनट हमारे भुट्टे को रखे हुए हो चुकी हैं, अब इन्हें हम छील लेंगे। देखिए कितने बढ़िया से हमारे भुट्टे स्टीम हुए हैं। देखिए गरम है, थोड़े ध्यान से छीलें और इन पत्तियों सहित स्टीम करने का एक और रीजन है, इनकी बहुत ही सौंधी सी खुशबू हमारे भुट्टे में आ जाती है। आप भी एक बार इन्हें इस तरह स्टीम जरूर करके देखें, बहुत ही लाजवाब भुट्टे स्टीम होकर तैयार होंगे। इसी तरह हम दूसरा भुट्टा भी छील कर तैयार कर लेंगे। अब हम अपने भुट्टों पर एक भुट्टे पर तो हम ये नींबू और काला नमक लगाएंगे, इस तरह काला नमक लगाएंगे नींबू पर, और इस तरह हाथ से थोड़ा थोड़ा नींबू को निचोड़ते रहेंगे, जिससे इसका जूस अच्छे से भुट्टे पर लग जाए। इस तरह लगा कर तैयार करेंगे। और दूसरे भुट्टे पर हम ये इमली वाली चटनी लगाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो ये इमली वाली चटनी की ही छल्ली पसंद होती है। मैं ब्रश से लगा रही हूँ, इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। इमली की चटनी भुट्टे पर लगा दी है, आपको जिस भी तरह से खाना पसंद हो आप उस तरह से खा सकते हैं। हमारे दो फ्लेवर में स्टीम भुट्टे बनकर तैयार हैं। इन्हें आप भी अपने घर पर जरूर बनाएं और अपना फीडबैक मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये भुट्टे की रेसिपी कैसी लगी।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।